अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आवर टुडे टूडेज़ टॉपिक इज़ कोहेसिव डिवाइस कोहेसिव डिवाइस ये आज का हमारा टॉपिक है इसको हम uh, आज पढ़ते हैं कि क्या है लिखता है कि ह्यूमन बीइंग्स आर यूज़ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड टू रिप्रेजेंट देयर आइडियाज़ और थॉट्स इंसान ज़ुबान यूज़ करते हैं लैंग्वेज यूज़ करते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए गुफ्तू करने के लिए और अपने आइडियाज़ और अपने ख्याल को आ, आगे डिलीवर करने के लिए उनकी नुमाइंदगी करने के लिए कम्युनिकेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न एज़ वेल एज़ स्पोकन डिसकोर्स कहते हैं कि कम्यूनिकेस कम्युनिकेशन जो है वो एक तो तहरीरी शक्ल में हो सकती है या फिर लिखी हुई तहरीर मतलब गुफ्तु की शक्ल में हो सकती है स्पोकन डिस्कोर्स डिस्कोर्स कहते हैं मतलब लैंग्वेज को तहरीर को ही टू डू आल दिस दे यूज़ वन आर मोर वर्ड आर एंड मोर देन वन सेंटेंस कहते ऐसा करते हुए इंसान क्या करते हैं एक लफ्ज़ भी यूज़ करते हैं या एक से ज़्यादा अलफाज मुख्तफ़ जुमले भी यूज़ करते हैं दाइड रेंज ऑफ सेंटेंसिज कैन बी यूज एज़ एफाइड होल आर सेपरेट अनिलेट सेंटेंस कहते हैं कि वाइड रेंज ऑफ सेंटेंस बहुत ज़्यादा एक बड़ी रेंज जुमलों की वो एक मनज़म एक होल की शक्ल में पेश की जाती है यूनिफाइड यानी कि एक वो आ, एक ही आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जिस तरह हमने मेन आइडिया के अंदर पढ़ा था मेन आइडिया और सपोर्टिंग डिटेल्स में कि जो टेक्स्ट होता है वो एक यूनिफाइड होल होता है यानी कि वो एक सिंगल आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा होता है तो कहता है कि यहाँ पर उसने बताया कि मुख्तिस जो सेंटेंसेस हैं वो यूनिफाइड होल भी हो सकते हैं या फिर सेपरेट अन रिलेटेड सेंटेंसेस एक ऐसे सेंटेंसेस जिसका एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस से कोई ताल्लुक ही ना हो ऐसे सेंटेंसेस भी हो सकते हैं और आपस में जुड़े हुए भी हो सकते हैं आपस में जब जुड़े हुए होंगे तो हम उन्हें कहेंगे कि यूनिफाइड होल है इन दिस वे दे प्रोड्यूस लॉन्ग टैक्सट्स इस तरह वो एक लंबी तहरीर प्रोड्यूस करते हैं तो अब आते हैं मेन मुद्दा की तरफ जो हमारा कोहेसिव डिवाइसेस है कोहेसिव डिवाइसेस इज़ अ डिवाइस व्हिच होल्ड्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ थिंग टुगेदर तो कोहेसिव डिवाइस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि डिफरेंट पार्ट्स को आपस में एक दूसरे के साथ मजबूत रखती हैं जोड़े रखती हैं इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन गुफ्तगू में कोहसी डिवाइस आर टिपिकली सिंगल वर्ड्स आर फ्रेज फ्रेजेज कहते गुफ्तु में कोहसी डिवाइस एक्चुअली ये सिंगल वर्ड्स हुआ करते हैं या फ्रेज हुआ करते हैं जो कि गुफ्तु को जोड़े रखते हैं देट होल्ड एंड हैंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टेक्सट जो कि डिफरेंट पार्ट्स को जोड़े रखते हैं आपस में दीज आर बेसिकली टूल्स ऑफ कोहेशन कहता है कि ये कोहेशन uh, के मुख्तलिफ टूल्स हैं बुनियादी तौर पर उसके फंक्शन में बताता है कि द मेजर फंक्शन ऑफ कोह इज़ टैक्सट फॉर्म कहता है कि कोहचन का जो बुनियादी मेजर जो फंक्शन है वो टेक्स्ट फॉर्मेशन का है टेक्स्ट बनाने का है कि ये टेक्स्ट बनाता है टेक्स्ट बनाते हुए आ, जो है तहरीरों को सेंटेंस को एक दूसरे के साथ जोड़ता है मरबूत करता है तो मजीद इसका फंक्शन कहता है जी हेल्प्स इन अचीविंग यूनिटी ऑफ द टेक्स्ट टेक्स्ट की यूनिटी जो है अचीव करने में मददगार साबित होता है एज ए सीमेंटिक होल सिमेंटिक होल मानवी तौर पर एक ये जामे शक्ल इख्तियार कर जाए एक मुकम्मल शक्ल इख्तियार कर जाए तो ये मतलब यहाँ पर बताता है कि एक तो टेक्स्ट की यूनिटी अचीव करने के लिए कि पूरा टेक्स्ट जो है वो एक ही आइडिया को रिप्रेजेंट करे यहाँ पर मजीद कंटिन्यूस में कहता है जी कि ए टेक्स्ट मस्ट बी दैट इज़ नॉट इज नेवर मीनिंगफुल वही जैसे हमने आ, उसमें पढ़ी थी आ, जो मेन आइडिया की जो असाइनमेंट थी वहाँ पर हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि मुख्तलिफ़ उसने अन un, रिलेटेड जो टेक्स्ट थे अन रिलेटेड सेंटेंसेस थे वहाँ उसने एग्जांपल के तौर पर शो किए हुए थे जिसमें एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस से कोई लिंक ही नहीं था तो यूँ जब एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस से कोई लिंक ही ना हो तो वो मीनिंगफुल टेक्स्ट तो ना हुआ तो टेक्स्ट को तो मीनिंगफुल होना चाहिए तो मीनिंगफुल होने के लिए कोहेशन, कोहेसिव डिवाइसेस ये मेन रोल प्ले करती हैं जो कि एक पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ जोड़े रखती हैं शो द लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ ये चीज़ें कोहेसिव डिवाइसेस जो है वो सेंटेंसेस का आपस में और पैराग्राफ का आपस में रिलेशनशिप क्रिएट करती हैं उसको uh, जोड़े रखती हैं दे हेल्प एक्सपैंड द कॉन्टेक्स्ट कहते हैं कि ये कॉन्टेक्सट को भी एक्सपेंड करती हैं उसको भी वसी करती हैं सच एज़ वफॉर्मेशन इज़ कम्प्लीटली न्यू कहते हैं जैसा कि आया इन्फॉर्मेशन जो है वो मुकम्मल तौर पर नहीं हो रिले रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन इन अदर सेंटेंस या इंफॉमेशन जो है वो दूसरी जमलों से मुतल हो आर इज़ रेफरेंस

कहते इसके बगैर सिमेंटिक सिस्टम वो मौसर हो ही नहीं सकता सिमेंटिक सिस्टम क्या है मतलब उनका माना हम हासिल ही नहीं कर सकते ये सिमेंटिक सिस्टम यहाँ पर उसकी डेफिनेशन भी लिखी है उसने हाउ मीनिंग इन लैंग्वेज इज़ क्रिएटेड कि लैंग्वेज किस तरह अपना मीनिंग क्रिएट कर रही है बाय द यूज़ ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ वर्ड्स फ्रेजिज एंड सेंटेंस लफ्ज़ों का जुमलों का फ्रेजिज़ का आपस का जो ताल्लुक है उसके ज़रिए लैंग्वेज किस तरीके से अपना मीनिंग एक्सपोज कर रही है दैट इज़ कॉल्ड सीमेंटिंग सिस्टम तो कोई हेसी भी डिवाइस के बगैर सीमेंटिंग सिस्टम इफेक्टिव हो ही नहीं सकता हम उसका मीनिंग नहीं समझ सकते और मज़ीद उसकी अहमियत कि, uh, किस तरह उजागर होती है कहता है कि ये लिंक्स टुगदर स्ट्रक्चरली अन रिलेटेड एलिमेंट्स थ्रू द डिपेंडेंस ऑफ वन ऑन द अदर for its interpretation। यहाँ पर यह कहना जाता है कि uh, मुख्तल्फ एलिमेंट्स को जो है यहाँ पर स्ट्रक्चरली uh, उसको जोड़े रखती है उसका लिंक क्रिएट करती है मिसाल के तौर पर कहता है कि असलम इज़ एन इंटेलेक्चुअल बॉय

मैरी विल जम्प इफ़ शी इज़ फिट कहता है कि मैरी अगर सेहतमंद होती तो वो जंप करती तो यहाँ पर शी इफ शी इज़ फिट शी दो फ्रेजिज आ गए हमारे सामने एक फ्रेज मैले विल जम्प दूसरी फ्रेज़ शी इज फिट तो दोनों फ्रेजिज़ को आ, शी जो है वो जोड़ रहा है यहाँ पर शी कोहेसिव डिवाइस हुआ शी कौन है शी सिमराद मैरी है द कंपनी विल चेंज एड्स पॉलिसी यहाँ पर एड्स का लफ्ज जो है ये कोहेशन क्रिएट कर रहा है कंपनी के साथ किसकी पॉलिसी कंपनी की पॉलिसी एड्स का इशारा कंपनी की तरफ है तो यूँ यहाँ पर कोहेशन आ गया पॉलिसी का कोहेशन आ गया पॉलिसी uh, का जो लफ्ज़ है उसका क्वेश्चन आ गया कंपनी के साथ आयशा वांट्स टू नो इफ़ हर प्रपोजल वाज एक्सेप्टेड इफ हर प्रपोजल किसका प्रपोजल आयशा का हर हर जो है यहाँ पर उसको इंटरलेट uh, कर रहा है इंटरलिंक कर रहा है तो कोहेसिव डिवाइस मे बी मे टेक इन नंबर ऑफ फॉर्म्स कहता है कि उसकी मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं कौन कौन सी हैं प्रोनाउंस हो सकते हैं नाउंस हो सकते हैं और कंजंक्शन हो सकते हैं एट्सट्रा तो मज़ीद उसकी एग्जाम्पल में कहता है कि न्यूमरस वर्ड्स आर कंसिडर्ड कोहेसिव डिवाइसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज मुख्तलि लफ्जों को कहता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में कोहेसिव डिवाइसेस कंसिडर किया जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल हाओ अवर इन कंक्लूजन बेसिकली एट लास्ट इवेंचुअली आफ्टर ऑल uh, आगे कहते हैं रियली नॉर्मली एट फर्स्ट ऑफन फर्दर एंड फर्स्टली कहते हैं कि मिसाल के तौर पर कुछ उसने लफ्ज़ बोले हैं बताए यहाँ पर हाव ओवर uh, नतीजतन बुनियादी तौर पर एट लास्ट आखिरकार तो इस तरह इन लफ्ज़ों को हम बोलते हुए हम पिछली बात को कंक्लूड कर रहे होते हैं पिछली बात को आगे बढ़ा रहे होते हैं इस तरह मुख्तलिफ हमारे अंदाज होते हैं हर एक्सप्रेशन का डिफरेंट अंदाज है जहाँ पर हम मुख्तलिफ अपनी पिछली बातों को अगली बात के साथ इंटरलेट करने के लिए उसको यूज़ करते हैं अब एग्जाम्पल कैन बी यूज़ टू स्टार्ट ए सेंटेंस कहता है कि जितनी भी एग्जाम्पल दी गई हैं ये सेंटेंस स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट करते वक्त हम यूज़ करते हैं टू लिंक टुगेदर द सेंटेंसेस आर स्टोरी क्यों यूज़ करते हैं ताकि हम पिछले सेंटेंसेस को अगले सेंटेंसेस के साथ जोड़ सकें तो आगे यहाँ पर हमें टाइप्स ऑफ कोहेसिव डिवाइस हमें यहाँ पर बता रहा है ये हम नेक्स्ट uh, लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे होपफुल यहाँ पर आपको कोहेसिव डिवाइसेस उसके फंक्शन और उसकी इम्पोर्टेंस आपको अच्छे तरीके से समझ में आगे होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे तब तक के लिए अल्लाह